हेलो, वेलकम टू इन माय क्लास माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, तो आई हैव सॉल्वड इन प्रीवियस क्लास क्वेश्चन नंबर 1 to 9 फ्रॉम द सर्किल एंड फार क्लास लेवल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सर्किल का जो मैंने इसके पहले वाली क्लास में मैंने 1 से लेकर 9 तक मैंने सॉल्व करवाया था क्वेश्चंस, और आज मैं करने वाला हूँ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक। जो भी आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं 1, 10, 11, 12, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। आई होप आज का जो लेक्चर है काफी सबसे ज्यादा अच्छा लगने वाला है, क्योंकि जो आज के जो क्वेश्चन मैं सर्किल के हैं वो काफी बेहतरीन क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो मैंने क्या है? देखो, मैंने जो है आपको पढ़ाया था द स्ट्रेट लाइन, तो मैंने वहां पे मैंने बता रखा है 2 पॉइंट स्लोप कॉन्सेप्ट क्या होता है और 1 पॉइंट स्लोप क्या होता है। जैसे केस में टू द फाइंड ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, बाई 2 पॉइंट कॉन्सेप्ट, 2 पॉइंट स्लोप कॉन्सेप्ट एंड बाई 1 पॉइंट स्लोप कॉन्सेप्ट। ठीक है, 1 पॉइंट एंड स्लोप कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये आपने सब पढ़ रखा है बहुत पहले से। मैं क्या करने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, मैं सॉल्व करने वाला हूँ बाई स्लोप कॉन्सेप्ट से, जो कि बहुत इजीली सॉल्व हो जाने वाला है। बट इसके लिए क्या है, कुछ थ्योरी आपको आनी चाहिए सर्किल के बारे में। आप जानते हैं पहले से कि व्हेन इन ए सर्किल, व्हेन ड्रा अ लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑन एनी कॉर्ड ऑफ दैट सर्किल, उस सर्किल में कोई अगर कार्ड अगर ड्रा की गई हो, अगर मैं उस कार्ड पर क्या करूं, उस कार्ड पर सेंटर से कोई लाइन अगर मैं ड्रा करता हूं, तो मुझे थ्योरम बताई गई थी क्लास 9th में कि दिस लाइन बाइसेक्ट द कार्ड एट राइट एंगल। बोलो, एट राइट एंगल। ऐसे आपने पढ़ रखा है पहले से ना, यानी कि देखो एक बात और समझो, मेरे पास सपोज करो 2 पॉइंट ऐसा है जो सर्किल पर लाई करता है, इसका मतलब कि दिस सर्किल पासिंग थ्रू दैट 2 पॉइंट, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स का मतलब सर्किल का, अगर कोई सर्किल गिवन है अगर वो 2 पॉइंट से पास थ्रू अगर होती है, सिंपल सी बात ये हो गया कि यह 2 पॉइंट कहां पर होंगे, एक्चुअली वो सर्किल पर होंगे ना, सिंपल सी बात है। वो क्या होंगे, वो दोनों पॉइंट कहां पर लाई करेंगे, सर्किल पर लाई करेंगे ना। अगर मैं इसी पॉइंट को क्या करूं, मीट कर दूं, तो ये मुझे मिल जाता है भैया है कॉर्ड। बोलो, ये सिस्टम जो है, ये जो थ्योरी है बिल्कुल इजी है ना समझना, कि अगर मेरे पास कोई सर्किल है अगर वो 2 पॉइंट से पासिंग थ्रू हो रहा है, मतलब यदि कोई सर्किल 2 बिंदुओं से अगर गुजरता है, जैसे केस में अगर 2 बिंदुओं में मिलाऊंगा, 2 पॉइंटों को क्या करूं अगर मिलाऊं आपस में, तो ये बन जाती है कॉर्ड यानी कीवा। बोलो, नहीं बनेगी क्या, है ना, सिंपल सी बात है। या ऐसे बोलो कि 2 पॉइंट लाई इन द सर्किल, या अदरवाइज इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अ सर्किल पासिंग थ्रू दैट पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, मैं 2 तरीके से यहाँ बात बता सकता हूँ, यानी कि ये तो लाइन में बोलूंगा कि भैया कि 2 पॉइंट अगर हो ऐसा कि जो 2 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्किल, बोलो ओके, अदरवाइज बोलूं कि द सर्किल इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इन बोथ केसेस में क्या मिलेगा, इन बोथ केसेस में जो थ्योरी बनेगी एक ही बनेगी, मतलब कि दीज सेंटेंसेस आर द सेम, यानी कि ये देखो दोनों सेंटेंस क्या, दोनों सेम ही तो है, मतलब खाली बोलने का जो तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है क्लास जो क्वेश्चन 10 में मुझे गिवन है कि एक सर्किल है वो क्या करता है कि फॉरवर्ड से पास करता है, और कहां से पास करता है, 6-5 से पास करता है। ठीक है, एंड सेंटर जो है लाई ऑन दिस लाइन, लाई ऑन दिस लाइन बोला गया, हुज सेंटर्स इज ऑन द लाइन 4s + y = 16, मतलब कि जो सेंटर इसका है सर्किल का वह इसी लाइन पे कहीं ना कहीं है, इसका मतलब इट मींस दैट दिस लाइन आल्सो पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। बोलो सही है ना, इसका मतलब क्या निकल के आ गया कि जो सर्किल जो लाइन है आपके पास, कौन सी लाइन, 4x + 4y, 4s + 4y = 16, क्या है ये लाइन ऐसी है जो सेंटर से क्या करेगी, पास करेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि भाई देखो जब इसी लाइन पर सर्किल का सेंटर है, इसका मतलब वो सेंटर अगर है इस लाइन पर, इसका मतलब लाइन कहां से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, है ना।
सिंपल सी बात है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, देखो मैंने बोला कि 22 स्लोप्स कांस्टेंट्स में सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को, है ना। ये है मेरे पास जो है, यहाँ पे लिख देता हूँ भैया हूँ सोल्यूशन में सॉल्व करूंगा। तो मैं इसके लिए दिया मेथड नंबर वन, मेथड नंबर कितना, वन वन। और मैं इस तरीका और यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ एंड सेकंड तरीके से मैं सॉल्व करूंगा, जो आपने पढ़ रखा भी अभी अभी मैंने बताया था कि व्हेन अ सर्किल पासिंग थ्रू एक्स वाई एंड हुज सेंटर एच के, इन दिस केस द इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या बनता है बताओ। व्हेन अ सर्किल पासिंग थ्रू एक्स वाई एंड सेंटर क्या मेरे पास एच की हो गया, जैसे कैसे मुझे क्या मालूम है, मुझे मालूम है कि एक्स माइनस एच प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर, आर स्क्वायर मीन्स होता है रेडियस, ठीक है बोलो, ये मुझे मालूम है। तो मैं क्या करूंगा इसी क्वेश्चन को मैं ना दो तरीके से मैं सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ, फर्स्ट तरीका अपना अब यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ वो होने वाला है स्लोप कॉन्सेप्ट से, जो कि आपने पढ़ा है। तो मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि आपको कि जो हमने अभी पढ़ाई किया है द स्ट्रेट लाइंस के बारे में, उसका जो देखो कहाँ कहाँ होने वाला है। देखो वहां पे यूज हमने जो पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था कि व्हेन टू लाइंस, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसे केस में आपने पढ़ा था कि दियर स्लोप्स यानी कि दियर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, दियर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या था इक्वल टू, मेरे पास क्या था भैया माइनस वन था नहीं। अगर इसका स्लोप हो गया एम वन, इसका स्लोप अगर हो जाता है एम टू, इसका मतलब मैंने पढ़ रखा था बहुत पहले से, एम वन इंटू एम टू क्या होता है, ये हो जाता है मेरे पास कितना माइनस वन। बोलो मैं यही अप्लाई करने वाला हूं यहाँ पे, देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है ये सॉल्व करने के लिए। तो मेथड फर्स्ट मैं अप्लाई करने वाला हूँ कैसे, बाई स्लोप कॉन्सेप्ट से, ठीक है। चलो मैं शुरू करता हूँ यहाँ पर, यहाँ पे देखो वी नो डैट, मैं जानता हूँ यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है फिगर में क्या मिलेगा, फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द फिगर से क्या मुझे मिलेगा, देखो ए बी इज द कार्ड होगा। बोलो भैया इसमें अभी मत कहना कि सर कार्ड कैसे होगा, कार्ड तो होगा इससे, और क्योंकि जब एक लाइन, जब एक सर्किल जो है टू पॉइंट से अगर वो पासिंग थ्रू अगर होता है, जैसे केस में व्हेन जॉइंट टू पॉइंट्स, इन दिस केस वी फाइंड द कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी इज कार्ड हो जाएगा, सिंपल सी बात है, एंड है एंड एंड सी पी इज अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट विच पासिस थ्रू द सेंटर, द सेंटर जो कि सेंटर से पास हो रही है ना। बोलो भैया किस पे हो रही पास भैया, आन कहां से हो रही पास, वो आन ए बी पर। बोलो सीपी इज लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू द सेंटर, ठीक है, एंड पासिस सीपी इज सीपी, देखो सीपी बाई सेक्स द ए बी एट राइट एंगल, बोलो एट राइट एंगल। ये चर्चा होगी मेरी क्लास 9th की थ्योरम थी, मैंने वहां पढ़ रखा था पहले से, ठीक है ओके। चलो मैंने बोला यहाँ पर इन दिस केस क्या मिलेगा, इम्प्लाई डेट मुझे क्या मिलेगा कि पी इज द मिड पॉइंट मुझे मिलेगा ना, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बोलो ए बी क्या है, यानी कि ए बी एक लाइन है जिसका मिड पॉइंट क्या पी हो गया। जब ये सीपी जो है ए बी को जब बाइसेक्ट करेगा एट पी पर, तो मतलब पी क्या मिलेगा, उसका मिड पॉइंट मिलेगा ना, सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या निकल के आ गया, देखो यहां बाबू द कोऑर्डिनेट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज इक्वल टू, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मालूम है एक्स वन प्लस वाई एक्स टू क्या मिलेगा, 6 प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कामा 5 1 बाई 2, इट्स ओके।
मेरे पास आंसर क्या मिल गया, 5 एंड आ गया 2। दिस इज द क्वाड्रेंट, क्या हो गया, पी का निकल गया मेरे पास क्वाड्रेंट, क्या देखो 6 बाई ये हो जाएगा 3, सॉरी 3 आ गया ना, क्या आ गया 5 3 मेरे पास आ गया। देखो पी की जो वैल्यू क्या निकल के आ गई भैया, 5 3 आ गया, ठीक है। एंड देखो यहां पे एंड हियर द स्लोप ऑफ ए बी, बोलो हुआ इनटू द स्लोप ऑफ सीपी इज इक्वल टू क्या निकलेगा, देखो ये निकल के आ जाएगा मेरे पास -1, क्योंकि ऐसे लिखो यहां पे क्यों ऐसा हो रहा कि सीपी क्या है वो परपेंडिकुलर किस पे है, ए बी पर है, बोलो कोई दिक्कत है क्या, बोलो क्यों, देखो लिखा एट राइट एंगल पे, बोलो सही है ना, यानी कि ये मुझे मालूम है तभी तो ऐसा निकल के आ गया, मुझे मालूम है स्लोप क्या होगा इसका, अगर स्लोप इसका हो गया एम वन, इसका स्लोप अगर हो गया एम टू, तो मुझे क्या मिलेगा, इसको तो -1 मिल जाएगा। अब बताओ मुझे स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, देखो मेरे पास गिवन है 2 पॉइंट्स, व्हेन अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इन दिस केस द स्लोप क्या मिलेगा, y2 माइनस y1, बोलो क्या होता है मेरे पास, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस क्या होता है x1, बोलो कोई दिक्कत है क्या यहां पर, नहीं ना, इनटू आप कर दो भैया स्लोप आप सीपी इक्वल टू हो गया मेरे पास -1 हो गया, यहाँ पे लिख दो सिंस क्या है सीपी क्या है वो परपेंडिकुलर किस पे हो गया एबी पर हो गया, बोलो भाई कि नहीं, ये इसमें कोई किसी को दिक्कत हो रही है क्या, समझने में आसान है बिल्कुल। देखो मैं थ्योरी में अप्लाई कर रहा हूँ भैया जो मैंने पढ़ा था इन द स्ट्रेट लाइंस में, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या बोलूंगा, देखो जब स्लोप निकालना है आपको एबी का, मुझे पास मुझे मालूम है कि एबी क्या है, एक लाइन है जो पासिंग थ्रू होती है 2 पॉइंट से, कौन कौन सा, 4 1 एंड 5 6 5, मुझे क्या सपोज करना पड़ेगा, यहाँ पे जो मैंने बोला दिस इज x1 y1 हो गया और ये मेरे पास गया x2 y2, क्या नहीं मिलेगा, देखो y2 माइनस y1 करो 5 माइनस 1 करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे क्लियर अपान हो गया 6 माइनस 4 हो गया इक्वल टू क्या मिलेगा, इनटू क्या मिलेगा स्लोप ऑफ सीपी, चेक करो यहां पे क्या मिलेगा, देखो 4 अपॉन 2 इक्वल टू मेरे पास क्या निकल 2 आ गया, इनटू क्या मिल गया स्लोप ऑफ सीपी, यहां से मुझे क्या निकल गया फाइनली, देखो निकल के मेरे पास आ गया स्लोप स्लोप आप सीपी निकल मेरे पास आ गया -1/2, बोलो उसमें कोई दिक्कत है क्या, बोलो यहाँ पे कोई समस्या किसी को हो गई क्या, बताओ यहाँ पे जो मैंने सॉल्व किया है, मैंने स्लोप आप सीपी निकाला मैंने, तो मुझे मालूम है कि बस सीपी क्या है वो परपेंडिकुलर किस पे है, आर ए बी पर है, बोलो है कि नहीं, है ना, यहाँ पे क्या निकल मेरे पास आ गया स्लोप ऑफ सीपी निकल के आ गया। आप देखो स्लोप ऑफ सीपी, ये सीपी का स्लोप निकल के मेरे पास आ गया, इसका एक पॉइंट मुझे गिवन है पहले से, मुझे मालूम है कि 1 पॉइंट स्लोप से मुझे मालूम है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन क्या मुझे मिलेगा सीपी का, बताओ मिलता है y-y1 इज इक्वल टू m, m मींस होता स्लोप टाइम्स x-x1, बोलो आपने पढ़ा इसको है अच्छी तरीके से, तो प्लीज आप इसको पहले सॉल्व इतना कर लीजिए, तो मैं भी लिखता हूं उसको यहां पे, ठीक है, इसको आप प्लीज नोट डाउन फास्ट, इसको नोट करिए फटाफट, अभी बस जस्ट इसके आगे और सॉल्व होने वाला है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कैसे अभी आपको समझाता हूं, चलो ठीक है। यहाँ पे मैं सॉल्व किया इसको, क्या मैं करता हूँ यहाँ से मैं इसको गायब कर दिया मैंने, क्योंकि आप जानते हैं सब गिवन था पहले से, ठीक है, और ये मुझे मालूम था पहले से, आपने इसके साथ ले लिया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली, देखो मुझे मालूम पड़ेगा स्लोप क्या होने के लिए मेरे पास आ गया सीपी। अब मुझे बताओ द इक्वेशन ऑफ लाइन सीपी, द इक्वेशन ऑफ कैसे निकालूं बताओ, बाय 1 पॉइंट स्लोप, मुझे मालूम है क्या होगा, देखो y
माइनस वाई वन बोलो इज इक्वल टू क्या होता है एक्स यम माइनस यम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, अब चलो यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे यम मेरे पास वैल्यू आ गई कितनी, माइनस वन बाई टू आ गया। आप देखो कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ भी आपने एक्स वाई वन लिया था, भाई देखो यहाँ पे जो एक्स वाई वन की बार लिया मैंने ना वो इन द सेंस ऑफ फाइव थ्री ले लिया मैंने, इन द सेंस ऑफ फाइव थ्री, और जो यहाँ मैंने चूज किया था वी वाला वैल्यू ना वाई टू माइनस वाई वन था मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। आप इतना तो समझदार बच्चे हो ना, इतना आपको समझ में आता होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, चलो सिंपल में क्या लिखा देखो वाई माइनस करता हूँ यहाँ पे, देखो वाई माइनस वाई वन क्या मिलेगा देखो फाइव मिलेगा, सॉरी थ्री मिलेगा इक्वल टू एम कितना मेरे पास हो गया सीपी का, सीपी का यानी सोलो कितना मेरे पास है माइनस वन बाई टू निकल के आ गया, तो यहाँ पे गिवन है। टाइम्स लिखो यहाँ पे एक्स माइनस एक्स वन क्या मेरे पास है देखो थ्री है कि फाइव है, फाइव है ना, तो वी कैन सॉल्व क्या करेंगे तो सॉल्व करके तो क्या मुझे मिलेगा टू वाई माइनस सिक्स मिल गया इक्वल टू मेरे पास आ गया माइनस एक्स प्लस हो गया मेरे पास फाइव आ गया इक्वल टू क्या मिला एक्स प्लस टू वाई ओके इक्वल टू मुझे मिलने वाला इलेवन। ये मैंने सॉल्व किया ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर कितना हो गया सपोज करिए टू हो गया, और इसको आप इक्वेशन नंबर वन सपोज कर लीजिएगा जो मैंने वहां लिखा था पहले गिवन डेट में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए लुक हियर माय डियर ए बी सॉरी सी पी देखो यहाँ पर सी पी है ये है और ये है मेरे पास लाइन फोर एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्सटीन। ठीक है, सी क्या है बताओ सी क्या है भैया, सी क्या है इंप्लाइज करता है सी बोलो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप लाइंस कौन कौन सी देखो यहां पर देखो फोर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्सटीन ऐसे लिखो सी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस फोर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्सटीन एंड एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू इलेवन बोलो है कि नहीं ये बात। मैंने यहाँ पे वो फाइंड मैंने किया सीपी देखो लुक है माय डियर सीपी मैंने फाइंड कर लिया लाइन और इसको मैं फाइंड कर लिया है यहाँ पे गिवन खुद ही पहले से है। अगर मैं जब सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा सी मुझे मिलेगा क्योंकि बोथ लाइन पासिंग थ्रू द सी बोलो बोथ लाइन क्या होती है पासिंग थ्रू द सी बोलो है ना सीपी इज ए एंड फोर एक्स प्लस वाई इज इक्वल सिक्सटीन है ना इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्किल बोलो है कि नहीं तो मुझे क्या मिलेगा देखो यही मुझे मिला तो मुझे यहां पे लिखो नाउ चलो सॉल्व करता हूं यहां पे आफ्टर आफ्टर सॉल्विंग वन एंड टू जब वन टू को मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा देखो देखो यहाँ पे काम करता हूँ यहाँ पर हूं मैं y को यहाँ से गायब करता हूँ तो क्या करूंगा y को यहाँ पे इसको y यहाँ पर टू है y यहाँ पे सिंगल y दिया जाता हूँ यहाँ टू से मल्टीप्लाई करूंगा आप इसको कर लेना ठीक ना चलो ठीक है तो क्या मुझे मिलेगा फोर एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू ये है मेरे पास इतना ना देखो यहाँ पे क्या करते हैं फोर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू है 16 तो मैं करता हूँ यहाँ पे टू से मैं मल्टीप्लाई करूँ क्या मुझे मिलेगा 8x मुझे मिलेगा प्लस 2y इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा भैया 32 मुझे मिलेगा है ना और इसको मैं सेम लिखता हूँ यहाँ पर एज इट सेम लिखता हूँ यहाँ पर तो मुझे क्या मिलेगा देखो यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 चलो सॉल्व करूँ मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सॉल्विंग करूंगा तो मैं लिखूंगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग दिस इक्वेशन क्या मिलेगा देखो आपस में ये और ये और ये वो काम क्या बनेगा देखो यहाँ पे आ गया भैया 7x आ गया इक्वल टू मेरे पास 21 आ गया ये इसकी वैल्यू निकल के मेरे पास कितनी आ गई 3 आ गई बोलो बाबू 3 आ गई ना बोलो एंड क्या लिखना पड़ेगा एंड यहाँ पे आप ना लोगे भैया इसका क्या एक्स वाई नाम कर दो क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्स वाई चूज किया मैंने सेंटर को ठीक है चलो एंड देखो फ्रॉम क्या लिखाना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू से करोगे तो मुझे y क्या निकल के देखो आ जाएगा y निकल के मेरे पास फोर आप सॉल्व इसको कर लेना देखो कैसे निकलेगा फोर देखो जानते रहो
थ्री करेंगे तो मिलेगा एट, और जाएगा टू बाई एट, एट बाई टू क्या बनेगा फोर मिल जाएगा। देखो ये मेरे पास निकल के आ गया। इसका मतलब मुझे क्या फाइंड हो गया बताओ, यहाँ पे मुझे फाइंड क्या हो गया, द सेंटर ऑफ सर्किल मुझे मिल गया, द सेंटर ऑफ सर्किल मुझे क्या हो गया मिल गया, द सेंटर ऑफ सर्किल मुझे क्या मिला बताना मुझे बाबू। यहां पे देखो द कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट ऑफ सी इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया देखो थ्री एंड फोर मिल गया। बोलो बाबू देखो ये बोले मेरे पास क्या निकल के आ गया, देखो थ्री फोर आ गई। इट्स क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। अब बोलो यहाँ पे मैं बात करूं अगर आपसे कि मुझे अगर फाइंड करना हो इस सर्किल का रेडियस तो कैसे फाइंड करूंगा, देखो देखो फिगर समझो, फिगर में क्या बोला मैंने क्या किया सी बी को मैंने मीट किया, देखो सी बी मैंने क्या किया मीट किया टू ज्वाइंट सी एंड बी। बोलो तो अगर देखो यहाँ पे क्या सी बी क्या है, वहां पे देखो सी बी क्या है, सी बी इज इक्वल टू देखो सी ए भी क्या है, दोनों आपस में क्या है देखो सी बी या सी ए, सी बी क्या है और सी ए देखो दोनों क्या है भैया है सी बी सी ए क्या है इज इक्वल टू द रेडियस है क्योंकि सर्किल का। और मुझे मालूम है कभी भी किसी भी सर्किल का अगर इक्वेशन फाइंड करना है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सेंटर और चाहिए मुझे क्या आर, आर मीन्स होता है रेडियस चाहिए, बस सिंपली बात मुझे सॉल्यूशन मुझे मिल जाने वाला है। तो मुझे क्या देखो मिलेगा सी बी क्या होता है मिलेगा सी बी यानी कि आर, आर मीन्स होता है रेडियस, मुझे क्या मिलेगा देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इट मीन्स डेट रेडियस इज इक्वल टू क्या मिलेगा वी नो डेट अ लाइन वी नो डेट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। देखो भैया ये इसके निकल के आगे थ्री फोर आ गए, ये मेरे पास सिक्स फाइव क्या मुझे मिलेगा देखो सॉल्व करो, तो सिक्स माइनस थ्री करो क्या आ जाएगा मेरे पास आ गया नाइन आ गया। बोलो कोई दिक्कत है क्या, ऐसे करो चलो सिक्स माइनस थ्री कर लो प्लस फाइव माइनस फोर कर लो देखिए यहाँ पे आ गया नाइन ठीक है ये हो गया वन टेन आ गया, इसका मतलब रूट में क्या आ गया टेन आ गया, देखो रूट में क्या आ गया टेन आ गया। दिस इज अ रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ द सर्किल। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में, आसान था कि नहीं। अब बताओ जब मुझे सेंटर निकल गया और सर्किल का मुझे जो है आर फाइंड हो गया तो मुझे सिंपली बात मुझे मालूम है कि देन द क्वेश्चन ऑफ सर्किल क्या बनेगा बताना मुझे। तो क्या बनेगा देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ फटाफट, यहाँ पे मैंने सॉल्व कर लिया, इसको आपने लिख ही लिया पहले से, तो यहाँ पे लिखो देन द सर्किल ऑफ इक्वेशन मुझे क्या मिलेगा देन द इक्वेशन ऑफ सर्किल देन द इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस सेंटर के मेरे पास क्या सेंटर था मेरे पास सेंटर मेरे पास क्या था थ्री फोर था, तो देखो x माइनस h होता सेंटर थ्री प्लस y माइनस k, k क्या था मेरे पास फोर था कि नहीं बोलो, इसको मेरे पास आ गया भैया रूट टेन का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि मुझे मालूम है कि x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू होता है r स्क्वायर। बोलो इसको आप ना एच के सपोज कर लेना वहां पे ना एच के भी एच को एच के ले लो क्योंकि एच के ही तो पॉइंट मेरे पास थ्री फोर आया था ठीक है, एच के मेरे पास सेंटर होता सेंटर मतलब थ्री फोर मेरे आया सेंटर क्या है मेरे पास आ गया थ्री फोर आ गया और आर क्या निकल मेरे पास देखो आ गया ए रूट टेन आ गया। बोलो सही है ना, अब सॉल्व करोगे आप तो क्या मुझे मिलेगा देखो ए स्क्वायर प्लस यहां करो बी स्क्वायर इसका भी ए स्क्वायर करो फिर देखो मुझे मिलेगा नाइन मिलेगा फिर मेरे पास आने वाला देखो माइनस टू ए बी तो क्या मुझे मिलेगा सिक्स मिलेगा एक्स मिल जाएगा यहाँ मिलेगा मेरे पास एट वाई मिल जाएगा ठीक है, यहाँ अगर नाइन ये मिलेगा सिक्सटीन मुझे मिलेगा ट्वेंटी फाइव आ गया, स्क्वायर स्क्वायर करो तो क्या मुझे मिलेगा ट्वेंटी फाइव टेन मिलेगा टेन जाएगा उधर तो क्या मिलेगा प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस टेन आ गया इसको जीरो आ जाएगा।
ये सॉल्व करूंगा तो मुझे आ जाने वाले यहाँ पर है प्लस 15, क्या आएगा प्लस 15 आ गया इक्वल टू 0 आ गया। तो ये है तरीका नंबर वन सॉल्व करने का, ठीक है, किसको, क्वेश्चन नंबर 10 को। और इसी बिहाफ पे क्या करना पड़ेगा, यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11 सिमिलरली फ्रॉम दिस मेथड, ठीक है ना। अब यहां काम करता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं जो अभी आपने पढ़ा है अभी भी, कि जब एक सर्किल जो है किसी पॉइंट से पासिंग थ्रू होता है और ऐसे केस में उसका आर गिवन हो, सेंटर गिवन हो, तो मुझे मालूम है क्या होता है इसका इक्वेशन, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर, ठीक है। a वेयर a इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, बोलो, है ना, ये निकल के आ गया। अब मैं सॉल्व करता हूं इसी को, एक अलग तरीके सॉल्व करने वाला हूं जो कि आप जानते हैं, जो कि आपने अभी पढ़ा, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं यहां पे, देखो मैंने ये समझाने का प्रयास किया आपको, इसी क्वेश्चन को मैं दो तरीके सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं आप सॉल्व नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, चलो यहां पे मैं सॉल्व करने वाला हूं इसी क्वेश्चंस को बाय मेथड नंबर 2, ठीक है। अब चलो भैया, तो मुझे मालूम है, मुझे सब कुछ पता, जो गिवन क्या था, मैंने जो गिवन यहाँ पे था, जो लिखा था अपनी स्टार्टिंग में, वही गिवन यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे लिखो द सर्किल पासेस थ्रू पासेस थ्रू किससे जा रहा भैया, 4-1 से बोला गया ना, है ना, क्या बोला गया, ये जा रहा है मेरे पास इस तरीके से। तो मुझे पालो मैं क्या देखो जानता हूं, मैं वेन ए सर्किल पासेस थ्रू एक्स वाई एंड सेंटर मेरे पास का निकल के आ जाए, सपोज करो सेंटर मेरे पास आ गया एच के, एंड वेयर आर कितना निकल गया, मतलब आ गया आर मीन्स होता रेडियस भैया, वो निकल के मेरे पास आ गया इज ए, देन द इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है, आपने आपको पता है, आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में, इसको क्या होगा बताओ यहाँ पे। तो मुझे मिलेगा यक्स माइनस एच होल स्क्वायर मुझे मिलेगा प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आता है मेरे पास ए स्क्वायर, बोलो। यहां तक तो आप जानते हो पहले बात की, जब कोई सर्किल क्या करता है, जब एक पॉइंट से पासिंग करता है और सेंटर गिवन हो आर गिवन, तो मुझे क्या मिलेगा, तो ऐसे केस में, ऐसे केस में उसका आने वाला क्या है इक्वेशन, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर, बोलो, है ना, कोई दिक्कत यहां पे सॉल्व करने में नहीं ना। अब मैं बात करता हूं इस थियरी के बारे में, बोला गया कि सर्किल क्या करता है, सर्किल पासिंग थ्रू 4-1 एंड 6-5, है ना। तो मैं क्या करूं, जब ये सर्किल 4-1 से पास करेगा तो क्या बनेगा इसका इक्वेशन, जरा बताना है आपको, लिखो वेन द सर्किल, वेन द सर्किल पासेस थ्रू 4-1, तो देन इक्वेशन 1 बिकम्स, तो क्या बनेगा, तब मुझे बन जाएगा मेरे पास क्या, 4-h का होल स्क्वायर बनेगा, बोलो, 1-k का होल स्क्वायर बनेगा, बोलो, कोई दिक्कत है किसी को क्या यहाँ पे, नहीं यहाँ, बोलो इसको क्या बनेगा, ए स्क्वायर बन गया। सॉल्व करो क्या मुझे मिलेगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2k, ये बनेगा 16, ये बनेगा 1 हो जाएगा मेरे पास 15, लिखो प्लस, लिखो यहाँ पे इतना हो जाएगा 15 इक्वल टू मुझे मिलेगा ए स्क्वायर मिलेगा, इक्वेशन में मैंने सपोज कर लिया 2। अब सॉल्व करना आपके हाथ में है, जितना इजीली सॉल्व करो फास्ट आपकी अच्छी बात रहेगी आपके लिए, ठीक है, सॉल्व करना आपको आता है तो ठीक है। मैंने बोला कि एक बात ये समझ में आ गई, सेकेंड
सर्किल, यानी कि यही सर्किल अगर क्या करें भैया, 6 5 से पासिंग करें तो क्या मिलेगा आपकी बार, यही क्वेश्चन बन जाएगा मेरे पास, कितना 6 - h, देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे, देखो व्हेन द सर्किल पासेस थ्रू 6 5 ऑल्सो, तो देन द इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या बनेगा, देखो देन द इक्वेशन ऑफ, देन द इक्वेशन फर्स्ट लिखो ऐसे केस में, फर्स्ट बिकम्स, मैंने फर्स्ट क्यों नहीं बिकम्स क्यों बोला, मैंने फर्स्ट को क्यों लिया, मैंने बोला है मैंने मैंने फर्स्ट को मैंने क्यों लिया, यहां बताओ यहां पे द इक्वेशन, क्योंकि इस इक्वेशन में सेंटर मुझे मालूम हो गया एच के, और आर मुझे मालूम हो गया क्या, ए स्क्वायर, बोलो है ना, इसीलिए मैं इसको यूज कर रहा हूं, ठीक है, बार बार। तो क्या मुझे मिलेगा, देखो मिलेगा मेरे पास कितना, 6 - h होल स्क्वायर + 5 - के मिले के मिलेगा, होल स्क्वायर मिलेगा, इक्वल टू मेरे पास आ गया भाई ए स्क्वायर आ गया, सॉल्व करो फटाफट क्या मिलेगा, तो यहाँ पे ऐड कर दो तो मेरे पास आ गया है 61, ऐड करो 11 6 1, ठीक है ना, सही ना, चलो इसको तो मेरे पास आ गया ए स्क्वायर आ गया। अब सॉल्व कर, देखो यहाँ पे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 2 वी गेट, चलो कुछ भी कर लो भाई, 3 से चाहे 2 माइनस करो चाहे 2 से 3 माइनस करो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या होगा, तो मामला यहाँ पे जब मैं इसको माइनस करूंगा बाबू तो क्या मिलेगा, देखो फ्रॉम 2, देखो पहले लिखो इसको ऐसे, हालांकि ये सब लिखने की जरूरत यहाँ पे है नहीं, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप लोग इसको सॉल्व कर ले जाओगे ना, इतना तो कोई दिक्कत आपके लिए होगी नहीं, अगर आप जो है चाहो तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो खुद से, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, देखो यहाँ पे 12 - 10 के हो गया, इक्वल टू हो गया ए प्लस हो गया 15 बराबर ए स्क्वायर आ गया, जब सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या देखो मिलेगा, देखो यहाँ से ये तो चला गया बेचारा ए, और ये है प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये निगेटिव निगेटिव, यानी कि सब कुछ चलेगा, यानी ये गया और ये चला गया, तो मुझे क्या बचेगा, देखो यहाँ से मेरे पास देखो आ गया 12 - 8 क्या मिलेगा मेरे पास, 4 h आ गया, कोई दिक्कत है क्या, प्लस मुझे मिल गया देखो 8 k आ गया, देखो वाह क्या अच्छी बात है, मैंने सॉल्व सही किया था, देखो ये नेगेटिव है तो इसमें से अगर माइनस करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा, उधर आएगा नेगेटिव, तो जब इधर ट्रांसफर करूं तो मुझे मिल जाएगा पॉजिटिव, मुझे क्या मिलेगा, ये मेरे पास आ गया 6 आ गया, ये देखो सही है मेरे पास 15 आएगा ना पक्का, सही बात है, 16 + 1 है ये 17 मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पे आएगा इसका आंसर 17, ठीक है, यही मैंने गलती किया था सॉल्व करने में, ठीक है, और इसीलिए मैंने चेक किया वहां पे, क्या देखो आगे इसका आंसर आ गया मेरे पास, इसका आंसर आ गया देखो 4 आ गया, ठीक है, यहाँ मिलेगा मेरे पास 5 1 मतलब 44 आ गया। अब सॉल्व चलो करो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे h +2 k इक्वल टू मेरे पास आ गया 11, इसको आप इक्वेशन नंबर सपोज कर लो भैया कितना है 4 है। अब बताओ मेरे पास गिवन क्या है कि एंड द सेंटर लाई ऑन द लाइन 4s + y = 16, अगर सेंटर इस लाइन पर लाई करेगा तो मतलब क्या होगा, दिस लाइन इज सेटिस्फाइड बाई किससे, सेंटर से ना, बोलो तो क्या मुझे मिलेगा, मैं सेंटर मैंने सपोज किया कितना एच के, अब इस फिगर के लिए मैंने क्या किया सबको यहां से हटा दिया, ठीक है, एच के मेरा वही आएगा, एच के मेरा 3 4 ही आएगा, सिंपल 3 4 यहाँ पे एच के 5 मेरा हो जाएगा, मुझे मालूम है वही वही आएगा, ये तो है नहीं सेंटर यहाँ पे कुछ अलग आ जाएगा, वैसे सर्किल एक ही था ना, तो चाहे मैं सॉल्व करूँ स्लोप पे मतलब स्लोप फॉर्म से मैं सॉल्व करूँ तब भी वही आएगा, और चाहे मैं इससे सॉल्व करूँ जो आपने पढ़ा भी अभी, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे सॉल्व हो गया, इसको आप क्या करो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेना प्लीज, स्क्रीन शॉट यहाँ इसको कर लीजिए फटाक से, मैं बढ़ता हूँ आगे, ठीक है, यहाँ पे आप इसको तुरंत इसके साथ लीजिए और आप अच्छे सॉल्व कर
कर पाएंगे, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। एंड लिखो, एंड एंड द सेंटर एच के बोलो लाइज ऑन द लाइन 4x + y = 16, मुझे मालूम है। तो क्या बनेगा देन, 4h + k = बनेगा ये मेरे पास हो गया नंबर फाइव मैंने किया। अगर मैं क्या करूं, 4 और 5 में सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो लिखो यहां पे आफ्टर सॉल्विंग फोर एंड फाइव, बताओ क्या मुझे मिलेगा, वी गेट क्या मुझे मिलेगा। देखो काम करता हूं, 2k है यहां पे k है केवल, तो मैं करता ये हूं कि मैं यहां पे k को इक्वल में कर लेता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, जब सॉल्व में करूंगा तो मैं माइनस कर लेता हूं k को इक्वल करके, तो सिंपल बात यहां पे क्या निकल के आ गया, यस निकल के मेरे पास आएगा 3 और k निकल के आ जाएगा देखो 4। अब सॉल्व करना है आपको, सॉल्व कर लो भाई, नहीं कहोगे सर जी पता नहीं कैसे आ गया है ना, आप कैसे कर दिए, तो यहां पे 2 करो, यहां मल्टीप्लाई करके 2 4 8 मिलेगा प्लस 2 के मिल गया इक्वल टू मिली मिलेगा 32, ठीक है। इसको आप सेम एज लिखो ऐसे ही, तो माइनस करो कितना मेरे पास होना चाहिए आ गया, यहां पे 21 आ गया, यानी h कितना मेरे पास 3 आ गया, देखो आया ना, और जब h 3 आ गया तो मतलब कि y कितना, k कितना आ गया, 4 आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसका मतलब क्या मिल गया, सेंटर मुझे मालूम पड़ गया ना, तो सेंटर यानी लिखो यहां पे द सेंटर ऑफ द सर्किल इज, क्या निकल मेरे पास आ गया 3 4 आ गया, बताओ सेंटर क्या मेरे पास आ गया, वंस अगेन आ गया फिर 3 4 आ गया, बोलो। अब मैं क्या करूं, अगर मैं निकालता हूं यहां पे सेंटर मेरे पास सी हो गया, सपोज सी, ये सी हो गया, अगर मैं क्या करूं सी भी निकालूं तो मुझे आ गया सी भी क्या निकल के आ गया, रूटीन आ जाएगा, तो यहां पे लिखो नाउ, तो लिखो यहां पे अब द रेडियस क्या निकलेगा, रेडियस ऑफ द सर्किल, तो क्या निकलेगा, तो निकलेगा क्या मेरे पास द डिस्टेंस, लो मैंने लिख दिया एकदम पूरे का अच्छी तरीके, द डिस्टेंस बिटवीन 3 4 एंड 6 5 आर आर द डिस्टेंस बिटवीन 4 1 एंड 3 4। अब देखो भाई चाहे ये निकालो डिस्टेंस, देखो ये चाहे निकालो, चाहे ये बात है कि ये दोनों क्या मिलेंगे, दोनों आर ही मिलेंगे ना, जैसे केस में सी भी क्या निकल के मेरे पास आ गया, देखो सी भी मेरे पास आ जाएगा रूट 10, मैंने अभी सॉल्व किया था, ठीक है, सी मैंने सॉल्व किया था, सी भी कितना रूट 10 आ गया, तब फिर नाउ क्या करोगे भैया, जैसे केस में जानते रहो कि क्या बनेगा, तो इक्वेशन क्या मिलेगा सर्किल का, बताओ जरा यहां पे इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या मुझे मिल जाएगा, इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा एक्स माइनस एच का कितना, यानी एच बोलो तो कितना 3 है प्लस वाई माइनस के बोलो कितना, के कितना है, के है 4 इक्वल टू मेरे पास मिल जाएगा आर स्क्वायर, आर मीन्स द रेडियस, वो है मेरे पास कितना, वो ए है, मैंने सपोज किया था ए इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया रूट 10 आ गया, तो मैं सॉल्व करूंगा मेरे पास आ जाएगा 10 का इसका स्क्वायर करो जब सॉल्व करेंगे तो वही मिलेगा जो मैंने इसके पहले सॉल्व किया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्वेश्चन जो 10 था आपका मैंने सॉल्व किया फ्रॉम बाय 2 मेथड से, तो इसका मतलब ये सेकंड था तरीका आपको सॉल्व करने का, और इसके पहले क्या तरीका था, स्लोप पॉइंट कॉन्सेप्ट था, क्या था, पॉइंट स्लोप कॉन्सेप्ट मैंने सॉल्व किया था, है ना, यूजिंग बाय थ्योरी ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, तो मैंने वहां सॉल्व किया वैसे, और यहां पे सॉल्व कर दिया ऐसे कि जब कोई सेंटर से, जब कोई पॉइंट से कोई सर्किल पास करेगा, तो ऐसे केस में अगर सेंटर गिवन हो सर्किल का आर गिवन, तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिल जाता है, और मैंने वहां पे क्या अप्लाई कर दिया भैया, यहां मैंने बता दिया कि जब कोई अगर टू लाइन अगर है
जो लाइक करता है सर्किल पर, जिसका मतलब जब उस लाइन को मैं मीट करूंगा, ज्वाइन करूंगा, तो वो बन जाता है कॉर्ड। जब कॉर्ड बनेगा, इसका मतलब क्या है, जब सेंटर से कोई लाइन अगर कार्ड पर अगर परपेंडिकुलर अगर मैंने ड्रा कर दिया, जैसे केस में वो क्या करती है, कार्ड को बाइसेक्ट करती है। ये थ्योरम मैंने पढ़ा था पहले से। इसका मतलब पी क्या हो जाएगा, इस एबी का मिड पॉइंट कहलाया, क्योंकि ये दोनों की इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। जब P होता है मिड पॉइंट, तो मुझे मालूम है कि क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट। मैं बात जानता हूं कि x1 plus x2 by 2 कर देंगे और y1 plus y2 by 2 कर देंगे, तो यहां पे मुझे P निकल के आ गया। ठीक है, क्लियर। और मुझे मालूम था क्या कि AB का स्लोप क्या निकलेगा, क्योंकि when the AB is passing through 4165, तो मुझे मालूम है क्या होता है स्लोप यहां पे लाइन, a line when a line passing through two points यानी x1 y1 x2 y2, in this case the slope of line क्या बनेगा, y2 minus y1 over x2 minus x1, जो कि आपने पढ़ा था। तो मैंने क्या किया, स्लोप ऑफ मैंने AB निकाला। अब बताओ कि स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ CP का जो मल्टीपल क्या मिलेगा, वो मिलता है minus 1। जब मुझे स्लोप ऑफ AB फाइंड हो जाएगा, तो CP का आराम से निकल आएगा। तो देखो इसका स्लोप कितने मेरे पास आया था, AB का 2 आया था, तो CP स्लोप कितना निकलेगा, वो निकल के आ जाएगा मेरे पास minus 1/2। अब बताओ यहां पे गिवन क्या, मुझे मिला CP एक लाइन ऐसी हो गई जिसका स्लोप मुझे मालूम हो गया वे 1.2 हो गया, और ये लाइन क्या करती है, इस सीपी जो है 5 पासिंग भी हो रही है, देखो ऐसे केस में ना। तो मुझे मालूम क्या है, जो थियरी ऑफ बाय द थियरी ऑफ 1 पॉइंट स्लोप, द इक्वेशन ऑफ सीपी क्या मुझे मिलेगा, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, वेयर m क्या हो गया, 1/2 हो गया, और यहां पे x1 y1 क्या हो गया, देखो 5.3 हो गया। सॉल्व किया मैंने तो मुझे मिल गया द इक्वेशन ऑफ, मुझे मिल गया CP। अब बताओ इक्वेशन ऑफ CP जो रहेगा और इसका इक्वेशन जहां मीट करते हैं उसका नाम है सेंटर। इसका मतलब जब दोनों को सॉल्व करूंगा तो वो मिल जाएगा मेरे पास C, क्योंकि C क्या है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ लाइंस दिस एंड लाइंस CP, बोलो है ना। तो मैंने क्या किया, तो वहां पे मैंने वो थ्योरी जो थी वो बिल्कुल आसान थी, ये भी बिल्कुल आसान है। तो यू हैव टू चॉइसेस ना टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, तो आप जो क्या कर सकते हैं, कोई भी यू हैव वन ऑफ देम है ना, वन ऑफ देम। तो जो चलिए यहां पे देखो मामला ये है कि दो चॉइस मेरे पास है सॉल्व करने की, जो चाहो वो आप यहां पे यूज कर सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर 11 जो होगा इसी के बिहाफ पे सॉल्व करना आपको, ठीक है बाबू। तो कोई दिक्कत यहां पे किसी को हुई तो नहीं ना, तो कितना आसान था बताओ। तो इसलिए कहता हूं कि जितनी चीज आपने पढ़ा है पहले से स्ट्रेट लाइंस के बारे में, वो सब आपके पास दिमाग में रहे तभी तो अच्छी बात रहेगी ना। जो भूल चुके होंगे वो कहेंगे रे कैसा स्लोप कैसा क्या है ना, उनको दिमाग में नहीं काम करेगा। लेकिन अगर आपको मैथ पढ़नी है, वो ना डेली रिवाइज करते रहिए और हर संडे को पूरा ओवरऑल रिपीट कर लिया करिए, बैठ के 3-4 घंटे जो भी टाइम लगे, 2 घंटे 3 घंटे जो भी आपके पास टाइम स्पेंड हो जाए चलेगा। जितना आप अपने आप को ना पढ़ेंगे ना, मैंने बोला कि एक कहावत एक जो है एक बहुत बड़ी मतलब एक कहावत कही जाती है कि शिक्षा जो है उस शेरनी का दूध होता है जो जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ठीक है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, जो कि ये बहुत सत्य है। ये जितना आप दहाड़ोगे जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे, ये मतलब जितना पढ़ाई करोगे ना उतनी आपकी चीजें कन्फर्म हो जाएंगी, दिमाग में चीजें उतनी आपकी आएंगी। कोई बच्चा कमजोर नहीं होता ना कोई बच्चा बहुत तेज उखाव होता है, सब लोग हाँ कुछ लोग भैया होते हैं दिमाग के अच्छे, आईक्यू लेवल उनका अच्छा होता है, लेकिन अगर आपका आईक्यू लेवल थोड़ा सा वीक अगर है ना, तो सपोज करिए अगर कोई लड़का बहुत पढ़ने बहुत ब्रिलियंट है, वो पढ़ाई सिर्फ करता है 1 घंटे और आपको क्या करना पड़ेगा उसके कंपेरिजन में आपको 2 घंटे पढ़ाई करने पड़ेंगे। जितना आप दिमाग का यूज करेंगे ना उतनी आपके पास पढ़ने की क्षमता बढ़ेगी और जो चीज़ों को समझ में ज़्यादा आएंगी आपको। ऐसा नहीं कि आप बहुत कमजोर हैं आपको चीज़ें कभी नहीं आएंगी, आपको चीज़ें आएंगी, बस करना क्या है कि आपको हार्डवर्क अधिक करना पड़ेगा। सपोज करो कि कोई लड़का ऐसा है जो बहुत बलवान है, ठीक है, अगर आपको 50 किलो का वेट उठाना है 2-3 बार में, तो जो लड़का काफी स्ट्रांग रहेगा 10 किलो उठाएगा एक बार में चल जाएगा, लेकिन 5 बार में, लेकिन आप कमजोर हो ना, इसका मतलब कमजोर अगर आप हो तो सिंपल सी बात आप 10 किलो का वेट उठा नहीं पाओगे, मतलब कि 5 किलो कम से कम उठा ले जाओगे, तो मतलब 5-10 बार आपको काम करना पड़ेगा। काम कर लोगे आप भी लेकिन थोड़ा सा वर्क अधिक करना पड़ेगा, तो क्या दिक्कत है यार डरने की। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको पढ़ाई करने का मौका मिला है, सब लोग पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई करने का मौका सबको नहीं मिल पाता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं फिर भी नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि कुछ मनी की प्रॉब्लम होती है, कुछ जो है परिवार में जो है कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर कमी होती है कि भैया क्या होगा पढ़ के क्या करोगे, है ना, ऐसा कुछ होता है।
तो जिसको पढ़ने का मौका मिला है वो अपना टाइम ना गंवाएं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें, क्योंकि समाज में सबसे जरूरी है शिक्षा, ठीक है? क्योंकि शिक्षा से अगर आप दूर रहेंगे तो कभी भी जागरूक नहीं हो पाएंगे, ठीक है? अपने हक के लिए कभी लड़ नहीं पाएंगे। इन सब चीजों के बारे में बहुत चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। रही बात 2 वक्त खाने रोटी की, तो भैया खाने की थी, भाई कुत्ता भी खा लेता घूम घूम के, है ना? इसका मतलब आपको खाना पीना अगर जीना केवल है तो भाई कहीं से भी कुछ भी करके जी खा लोगे ना, उससे दिक्कत तो है नहीं। तो मतलब क्या इससे हमारा जो है, इससे जो हमारा जीवन क्या अच्छा हो जाएगा क्या? नहीं ना। तो जितना हो सके पढ़िए, है ना? जॉब सबको नहीं मिलती है मालूम है, लेकिन वहां तो पढ़ सकते हैं ना। जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ आपको, तो वैसे भी कभी 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 भी आप भी तो पढ़ा सकते हैं किसी को। यानी कितना पढ़ो यार ना, ताकि वो कहीं ना कहीं लाइफ में काम कर जाए, ठीक है? तो यही तरीका होता है शिक्षा का, ठीक है? शिक्षा का मतलब क्या होता है भैया? एक ऐसी चीज होती है शिक्षा जिसकी जिसको अगर पा लेने से ना हमारा जीवन बिल्कुल धन्य हो जाता है, ठीक है? जैसे मंदिर में एक पुजारी होता है, कहता है कि भैया मेरे यहाँ पूजा करने आओ, तुम धन्य हो जाओगे। भैया कहो ना बाबा, हम शिक्षा पहले ग्रहण कर लेंगे तब तुम्हारे मंदिर में आएंगे, ठीक है? तो पहले मंदिर ना जाओ, पहले शिक्षा ग्रहण कर लो। उसके बाद जब कंपेयर करोगे ना, तो उस जो जो पुजारी आपका मंदिर वाला है ना, उससे कहीं ज्यादा अपने आप को तुम अच्छा पाओगे, ठीक है? ये है तरीका शिक्षा का। शिक्षा अगर नहीं है आपके पास, तो आपको चीजों को समझने में दिक्कत हो पाएगी, हो जाएगी हमेशा, ठीक है? कंपेयर नहीं कर पाओगे चीजें, क्या गलत क्या खराब है ना। इन सब चीजों के बारे में बहुत जरूरी जानना है, क्योंकि आज का जो समय है बहुत ही खराब है, ठीक है? आज का समय इतना खराब चल रहा है क्योंकि यहाँ पे शिक्षा के बारे में ना कोई बात करता है, ना शिक्षा के बारे में कोई सोचता है। बस केवल सबको क्या चाहिए, मिल जाए भैया अनाज, है ना? आराम से गेहूं चावल मिल जाता है, आराम से 10 किलो 5 किलो आराम से खा के आराम से खुश हो जाते हो, लगता है कि पूरा जीवन का जो है सुख, सब सुख मिल गया यहाँ पे, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, वो जीवन का सुख नहीं है, वो जीवन का सुख नहीं है, बस एक लालच है जो मन में आपके है, जो आपको दी जाती है, जिसकी वजह से आप जो है डाइवर्ट हो जाते हो, ठीक है? सब करो यार, पढ़ाई करो सबसे पहले, ठीक है? तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। हाँ, 10 जो क्वेश्चन था उसी के बेस पे क्वेश्चन नंबर 11 भी है, सेम क्वेश्चन है, बस जो जो यहाँ पे 2 पॉइंट दिए थे ना सर्किल के, वो चेंज कर दिया गया है, और जो सेंटर था जिस लाइन से पास करेगा वो लाइन का इक्वेशन चेंज हो गया है, बस यही तो बात है, बाकी सब सेम है, ठीक है? सॉल्व करिएगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्या है 13 के बारे में? इट इज क्लियर? मेरे पास एक क्वेश्चन है, अच्छा 12 है ना यहाँ पे, नॉट 13, 12 हो गया। चलो मेरे पास क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच रेडियस 5 हुज सेंटर लाई ऑन द एक्स एक्सिस। अब बताओ जब सेंटर जो है लाई करेगा किस पे, ऑन द एक्स एक्सिस पर। देखो यहाँ पे ऐसे, इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू एक्स की होगी कुछ तो निकलेगी निकलेगी, लेकिन यहाँ पे वाई क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी कि सेंटर मेरे पास अगर एच क्यू हो गया, यहाँ पे के क्या मिलेगा, वो 0 मिलेगा। इसका सेंटर क्या मेरे पास बन गया, सेंटर मेरे बन गया एच, 0 बन जाएगा सेंटर। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे है समझने में क्या? दोनों ये थियरी है क्वेश्चन नंबर किसका, 12 का। आर दिया मेरे पास कितना, 5। देखो मेरे पास आर हो गया, मेरे पास कितना, 5 हो गया, चलो ठीक है। एंड क्या बोला गया, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2, 3, यानी कि जो ये सर्किल है ना वो कहां से पास करता है, एक पॉइंट मेरे पास हो गया 2, 3, यहां से उस लाइन पास करता है। अब मुझे बताओ कि द इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या बनेगा, ये मेरे पास हो गया 5 हो गया है, बोलो ये सेंटर, इसका आर दे दिया मेरे पास है 5, ये सर्किल जो है कहां से पास करता है, 2, 3 एक पॉइंट है जो कि मुझे मालूम है कि पॉइंट कहां मिलेगा हमेशा, ये फर्स्ट मतलब जो आपका है क्वाड्रेंट वहां मिलने वाला। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ, ये पॉइंट कहां लाई करेगा, ये लाई करेगा भैया फर्स्ट में। तो ये मेरे पास बन गया फिगर, एक्स वाई और वाई डैश, ठीक है? इसको आप क्या करो भैया, एक्स कर लेते हैं, ठीक है? इसका नाम हो गया एक्स डैश हो गया। देखो कितना अच्छा फिगर बन गया प्यारा सा। तो क्या बनेगा, देखो द इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या बनेगा, सर्किल, तो द इक्वेशन ऑफ क्या बनेगा सर्किल बताना है जरा। लुक हियर माय डियर, तो क्या बनेगा, देखो तो मुझे पता है कि 2, 3 क्या है, यानी कि देखो वही है बात यहाँ पर। देखो x माइनस एच का होल स्क्वायर, बोलो, प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास होता है a का होल स्क्वायर। a है मेरे पास रेडियस, वो है मेरे पास दिया गया 5, बोलो क्लियर हो गया। इक्वल टू y माइनस k, 0 है यहाँ पर, क्योंकि जो सेंटर कहाँ लाई कर गया, ऑन द x एक्सिस पर, बोलो सही है ना। अब प्लस देखो यहाँ पर क्या बनेगा,
यस मैच बन गया मेरे पास कितना, टू बन गया। कोई दिक्कत है किसी, क्या यहाँ पे नहीं ना, ये है मेरे पास सोल्यूशन बन जाएगा। देखो इसके केस में इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो बनेगा देखो यहाँ पे इक्वेशन स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास कितना फाइव। प्लीज सॉल्व दिस इक्वेशन एंड मुझे मिल जाने वाला इसका आंसर 12 का। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करना कुछ था ही नहीं। क्या बनेगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉल्व करो, प्लस मिलेगा देखो फोर, देखो यहाँ मिलेगा मेरे पास कितना आ गया, देखो आने वाले मेरे पास फोर एक्स मिलेगा, ठीक है यहाँ से वाई तो निकल गया, ये मिलेगा फोर या ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव अगर आएगा इधर फोर के पास तो क्या मिलेगा माइनस मिल जाएगा मेरा ट्वेंटी वन, ये आ गया जीरो। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल, मैंने क्या लगाया इस सर्किल की इक्वेशन मैंने कैसे फाइंड कर लिया, इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्या मिल गया जीरो मिल गया, ठीक है। अगर मतलब अगर अगर ये क्या ही काम करता है यहाँ पे, मुझे मालूम है ऐसे केस में अगर मुझे इक्वेशन कोई गिवन है मुझे मालूम है आर कितना होता बताओ, वो होता है रूट में कितना जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस सी होता है, बोलो होता है कि नहीं होता, जी क्या होता बताओ, जी क्या होता है भैया, ये होता है भैया कि द कोफिशियंट ऑफ टू एक्स, बोलो द देखो टू जी क्या होता है, टू जी क्या होता है द कोफिशियंट ऑफ क्या होता है भैया एक्स का होता है, बोलो होता है कि नहीं होता, फर्स्ट साल ये मैंने सब पढ़ा चुका आपको, मैंने सब बताया आप एक्स का होता है, बताओ यहाँ टू जी इक्वल टू क्या निकल के देखो आ जाएगा, देखो टू जी में निकल के आने वाला देखो माइनस फोर आएगा, एक्स क्या निकल जी क्या निकल के देखो आ गया, जी मेरे पास क्या निकल के देखो आ गया सेंटर, मुझे फाइंड करो तो मुझे क्या निकल सेंटर क्या निकलेगा, देखो जी मेरा क्या निकल के आ गया, देखो यहाँ जी निकल के आ गया मेरे पास माइनस टू आ गया, ठीक है जी निकल कितना आ गया मतलब टू एफ के वैल्यू जीरो है, इसका मतलब यहाँ पे कोई मतलब वहां पे है ही नहीं, कोई बात ही नहीं करेंगे। फिर मेरे पास है माइनस सी, देखो यहाँ पे क्या निकलेगा देखो जी स्क्वायर करो फिर माइनस माइनस सी, तो सी की वैल्यू कितनी है नेगेटिव 15, यहाँ पे करेंगे 25 21 प्लस हो जाएगा, देखो यहाँ माइनस सी यहाँ पे था ना, सी खुद ही ऑलरेडी नेगेटिव है तो क्या बनेगा प्लस 25 बने 5 आ गया, 25 आ गया नहीं बताओ यहाँ पे किसका आर कितना निकल के आ गया मेरे पास इतना आ गया। अगर मैं बात करूँ कि इसका जो है इसका इस वैल्यूज का है ना, ये देखो ये हमने क्या कर दिया गलती कर दिया सॉल्व कर, सेंटर अगर है सेंटर मुझे नहीं मालूम, सेंटर मुझे नहीं मालूम तो क्या निकलेगा देखो एक्स माइनस देखो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर मिलेगा प्लस वाई माइनस के वाई क्या है थ्री है माइनस के क्या है जीरो है, बोलो इसको तो मेरे पास आ गया 25 आ गया। अब के की वैल्यू मुझे यहाँ पे एच की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है तो मुझे क्या मिलेगा देखो यहाँ पे, ठीक है तो क्या मुझे मिलेगा फोर प्लस एच स्क्वायर मुझे मिल गया, बोलो सही है ना, फिर क्या मुझे मिलेगा देखो आ गया आंसर मेरे पास आ गया 4h आ गया क्लियर, मिलेगा मेरे पास क्या 9 आ गया इक्वल टू 25 आ गया। अब चलो करता हूँ फाइंड यहाँ पे h की वैल्यू क्या निकली, देखो यहाँ पे h स्क्वायर माइनस 4h अलग कर लो साथ में इक्वल टू जीरो, साथ करते हैं इसको क्या मिलेगा 9 हो गया 4 हो गया 9 4 हो गया मेरा 13, जब जाएगा इधर तो क्या बनेगा 12 आ जाएगा, 12 को इधर लेके आओ तो क्या बनेगा माइनस 12 आ गया, दिस इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया, तो क्या आएगा देखो इसका आंसर 6 2 जा हो गया, चलो 6 2 मिल गया तो मेरे पास आ गया देखो माइनस 6h मिलेगा और प्लस मिलेगा 2h मिलेगा माइनस हो जाएगा 12, सॉल्व करो फटाफट इसका तो क्या देखो आंसर मिलेगा यहाँ से मुझे मिल जाने वाला देखो क्या है h माइनस 6 आ गया प्लस 2h माइनस 6 आ जाएगा, यहाँ पे भी सॉल्व करो फैक्टर करो फटाफट, यानी h की वैल्यू क्या निकल गया 6 आ गई और एक मेरे पास आ गई 2 आ गई, यानी h की वैल्यू कितनी निकल के मेरे पास आ गई 6 आ गई, या तो सेंटर क्या मिलेगा दर इज सेंटर क्या मिलेगा, सेंटर क्या होता है मिलेगा सर्किल का, द सेंटर ऑफ सर्किल वो मुझे क्या मिलेगा, वो मुझे मिल जाने वाला क्या रहेगा देखो 6 0 मिलेगा आर माइनस 2 0 मिल जाएगा, कोई दिक्कत यहां पर है क्या। अब सेंटर मुझे मिल गया सर्किल का, पॉइंट मुझे मिल गया है तो मुझे क्या मिलेगा, तो ना हो The required equation of circuit. X minus h कितना मेरे पास आ गया 6 आ गया प्लस y minus k तो y minus k जीरो हो गया, सिंपल से बात जीरो निकल के आ गया इक्वल टू मेरे पास है 5 का स्क्वायर,
इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी इसका आंसर मिलेगा वही मेरे पास का मिलेगा, द इक्वेशन आप सही मिलेगा। ठीक है ना बाबू, एकदम इजी था कि नहीं? तो कुछ करना नहीं है, मैंने फिगर यहाँ ड्रा कर दिया, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तुरंत सॉल्व करिए, एकदम अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, कुछ यहाँ पे नहीं करना। ठीक है, चलो तो द इक्वेशन ऑफ सर्किल मैंने पॉइंट फाइंड कर लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे जो पॉइंट मेरे पास क्या 2, 3 था, जिससे एक सर्किल पास हो रहा है ना, इसका आर गिवन है, सेंटर मुझे गिवन हो गया पहले से ही, एच के एच जीरो, तो मैंने एच की वैल्यू फाइंड कर ली, तो मेरे पास क्या आ गया एच की वैल्यू, मैं 2 निकल के मेरे पास वैल्यू आ गई, देखो एक वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, एच की वैल्यू आ गई 6 आ गई, और एक मेरे पास क्या आ गई -2 आ गई। इट्स क्लियर, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चंस। चलो मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, बात करूँ, चलो फटाफट मैं काम करता हूँ। अब है क्वेश्चन नंबर है 13, तो कितना मस्त मस्त क्वेश्चन ये भी है, 13 वाला बेचारा, उस पर कुछ नहीं करना है। फाइंड द क्वेश्चन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 0-0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी। वाओ क्या गजब बात, देखो यहाँ पे सर्किल कहाँ से पास करता है भैया, वो पास करता है वर्जिन से, वो पास करता है वर्जिन से, देखो ऐसे बोला गया। वो पास करता है ओरिजिन, देखो यहाँ पे ओरिजिन से पास किया ऐसे, तो बोला गया देखो यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट कितने मेरे पास है, देखो एक्स इंटरसेप्ट बोला गया कितना है। अब कहो सर ये क्या होता है, मैंने सब पढ़ा चुका है, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट क्या है मेरे पास, वो ए है, और वाई है इंटरसेप्ट कितना भैया है मेरे पास, वो है बी। ओके, यानी देखो यहां पर मैं बात करूं एक्स एक्सिस y x डैश y एंड y डैश, ठीक है, ये देखो मेरे पास वैल्यू कितनी है, मेरे पास है o है, ये मान लीजिए a हो गया, ये हो गया मेरे पास b हो गया, तो इसका मतलब क्या मिल गया, देखो यही है मेरे पास कितना oa, और ये है मेरे पास कितना ob। बोलो मैं अगर बात करूं अगर आपसे इस पॉइंट a का क्या बनेगा कोऑर्डिनेट, बताओ क्या बनेगा कोऑर्डिनेट, द पॉइंट द कोऑर्डिनेट ऑफ a, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या बनेगा, वो बनेगा मेरे पास कितना, अब ए 0 बन जाएगा, कोई दिक्कत क्या, क्योंकि देखो ये मेरे पास कितनी वैल्यू ए हो गया, तो क्या बनेगा इसका आंसर, यहाँ बनेगा ए 0 बन जाएगा, ये है मेरे पास पूरा बी है, तो क्या बनेगा 0 बी बन जाएगा, कोई दिक्कत है क्या। एंड कोऑर्डिनेट आप बी के, तो क्या बनेगा बी क्या बनेगा 0 भी बन जाएगा, बताओ कोई समस्या किसी की, मुझे क्या मिल गया, सर्किल क्या हो गया, अब की बार सर्किल मेरा जो 2 पॉइंट से पास थ्रू हो रहा है ना, बोलो तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इन दिस केस, इन द केस द सर्किल पासेज ए 0 एंड 0 बी। बोलो यहां से किसी कोई समस्या हो रही है क्या, बोलो है ना, एकदम आसान भाषा है बिल्कुल। एंड क्या बोला गया, सेंटर जो है बोला गया, देखिए क्वेश्चन आप सर्किल पासिंग थ्रू 0-0। हाँ अब देखो यहाँ पे 3 मेरे पास वैल्यू आ गई, एक एक सेंटर यहां से पास करता है, एक यहां से पास ही कर रहा है पहले से ही, ठीक है बोलो इसमें कोई दिक्कत यहाँ पे है, तो क्या बनेगा, नाउ द इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक है, वेयर रेडियस इज कितनी हो जाए, मैंने मैंने बोला आर हो जाए, तब क्या बनेगा बताओ जरा यहां पे, तो क्या बनेगा देखो यहां पे ए माइनस एच एंड सेंटर लिख दो भैया, एंड सेंटर एच के, मैंने सपोज कर लिया यहाँ पे, ठीक है पहले से मैंने मान लिया है, तो क्या बनेगा ए माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस के होल स्क्वायर स्क्वायर मिलेगा प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर मिलेगा। मैंने यहाँ पे आर की यूज किया क्योंकि यहाँ पे ए खुद ही पहले से चीज करता है, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं, तो क्या बनेगा एंड क्या यहाँ सॉल्व करो क्या बनेगा, देखिए मेरे पास ए स्क्वायर बनेगा प्लस एच स्क्वायर बनेगा प्लस क्या बनेगा माइनस 2 ए एच बनेगा। ओके क्या मेरे पास के स्क्वायर आ गया, देखो के स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत है क्या, इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया आर स्क्वायर आ गया,
ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। और सेंटर क्या कहता है, सेंटर कहता है भैया कि मैं कहां से पास करता हूँ, ओरिजिन से करता हूँ पास। एंड देखो यहाँ पे इसको लिखो, पहले क्वेश्चन नंबर वन लगा लो, एंड देखो आल्सो द सर्किल पासेज थ्रू 0 0, तो क्या बनेगा देखो, तो यहां पे नाउ द इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या बनेगा, बताओ बनेगा, बनेगा 0 - h² बोलो प्लस माइनस के, ये बनेगा इक्वल टू मेरे पास आर, मैंने सपोज किया कितना R² ठीक है, आर मीन्स द सर्किल का हो जाएगा रेडियस हो जाएगा, क्या बनेगा देखो h² बनेगा यहाँ से प्लस k² बनेगा, इक्वल टू मेरे पास क्या निकल गया R² निकल के आ गया। ठीक है, तो क्या बनेगा नाउ इक्वेशन वन बिकम्स, क्या पता बनेगा क्वेश्चन नंबर वन, जहां पे आर थे मैं क्या पुट करूंगा, अब की बार आर की जगह पे मैं पुट कर दूंगा h² + k² तो मुझे क्या बनेगा देखो यहां पर a² + h² - 2ah बोलो प्लस k² इक्वल टू मुझे मिल जाएगा h² + k² यहां से मैं क्या करूंगा देखो, a क्या मुझे देखो h की कट जाएगा यहां से, देखो h की कटा यहां से भाग गया तो क्या मुझे बच गया देखो a - 2h और यहाँ पे a कॉमन कर लो ठीक है, जो बचेगा टर्म यहाँ पे, तो कि यहाँ पे a क्या मिलेगा, a इक्वल टू मेरे पास आ गया 2h आ गया, और देखो a मेरे पास आ गया 0। दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि 0 a की वैल्यू कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि बोला गया है a क्या है, मेरे डिस्टेंस है भैया, तो 0 यहाँ पे क्या होगी, कैन नॉट बी 0, ए कैन नॉट बी 0, तो मुझे मालूम है यहां से क्या निकल के आ जाएगा देखो, बट ए इक्वल टू 0 है ना, सो एक एच क्या निकल मेरे पास आ गया, एच आ गया a/2 आ गया। अब मैं बात करूं सिमिलरली के भी निकल क्या निकलेगा, के आ जाएगा मेरे पास b/2 निकल के आएगा, ठीक है क्या निकल के आएगा b/2 आएगा, कैसे आएगा देखो लिखना यहाँ पे क्या लिखना, अगेन लिखना इन केस द सर्किल आल्सो द सर्किल पासेस थ्रू कितना 0b, तो क्या बनेगा ऐसे केस में जहां पे h वहां पे लिख देना, जहां पे x वहां लिखना भैया 0, जहां पे y वहां लिखना क्या b, तो सॉल्व करोगे ऐसे केस में इसको बनाओगे फिर क्या निकलेगा वहां पे के निकल के मेरे पास आ जाएगा, क्या मेरे पास b/2 निकल के आ जाएगा, ठीक है इसमें दिक्कत नहीं किसी को ना। अब के आ गया बी आ गया सिंपल सी बात है, तो मुझे पता है सेंटर मुझे कहीं ना कहीं गिवन हो गया, हाँ सेंटर मुझे मालूम पड़ गया, अगर मैं सेंटर से इस वर्जिन की डिस्टेंस निकाल मुझे क्या निकल जाएगा देखो, इसका मतलब मुझे निकल के आ जाएगा रेडियस इसका निकलेगा ना, तो बोलो यहाँ पे ये कितना मेरे पास h a/2 निकल के आ गया और ये मेरे पास है b/2 निकल के आ गया, ये हो गया सेंटर हो गया मेरे पास, ये ओ हो गया, मतलब OC क्या है, OC हो जाएगा मेरे पास R, R मीन्स होता है भैया रेडियस, तो क्या निकल के देखो आएगा देखो भैया डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट निकालो तो क्या मिलेगा, 0 से निकालो क्या मिलेगा, 0 माइनस करोगे सिंपल सी बात क्या आएगा देखो आएगा a² / 4 मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा b² / 4 मिलेगा, ठीक है क्लियर हो गया, तो a² b² अंदर रहेगा बेचारा, तो क्या बनेगा 1/2 बनेगा और इन रूट क्या बनेगा a² + b² बनेगा, ये है मेरे पास आर, ये आर निकल के आ गया। अब क्या करना रहेगा भैया, द इक्वेशन अब क्या बनेगा सर्किल का, मुझे मालूम है एच के निकल के आ गया, आर निकल के आ गया, भैया पुट कर देना कहाँ पे, x - h = a/2² करना प्लस y - k, मींस कितना b/2² करना इक्वल टू होता है r² इसका स्क्वायर करोगे तो ये खुद ही मिल जाएगा सिंपली इसका आंसर, तो ये मेरे पास मिल जाएगा क्या भैया द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक है ये मिल जाएगा ना सिंपल से बात है ना भैया, तो क्या यहाँ पे ओसी का निकलेगा, ओसी तो निकल जाएगा भैया क्या ये सर्किल का हो जाएगा भैया रेडियस हो जाएगा, रेडियस तो क्या होगा सर्किल का रेडियस कैसे बनाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इसका नाम है भैया ओरिजिन बोलो, तो क्या बनेगा 0 - a/2 करोगे तो भैया सिंपल बात वही इसी की स्क्वायर बनेगा,
फिर 0 माइनस b/2 का क्या मिलेगा, b²/4 ही बनेगा, है ना। जब सिंपलीफाई करोगे तो क्या मुझे मिलेगा, देखो 1/4 बाहर आएगी, 1/2 निकलेगा बाहर आके, ये मेरे पास r आ गया ओवरऑल। अब मुझे r जब निकल के आ गया, h³ भी निकल के यहाँ पे आ गया, तो सिंपली बात यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ये क्या था, ये क्वेश्चन नंबर था मेरे पास 13। ठीक है ना, बोलो बाबू कोई दिक्कत किसी को हो रही है क्या, समझने में आता एकदम, बिल्कुल आसान था समझना, बिल्कुल ना एकदम इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं यहाँ पे करना था। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये सब, तो मैंने सॉल्व कर दिया। अब चलता हूँ आपके लेके, आपको चलता हूँ लेके क्वेश्चन नंबर 15 में। यहाँ पे लिखना एक बात और कि द इक्वेशन ऑफ सर्किल है या रेडियस इतना, तो क्या बनेगा, देखो एक ऐसे बनेगा और एक एक और बनेगा, इसका बन जाएगा 0 भी का बनेगा। ठीक है, अगर मन को यहाँ पे लिख दो, यहाँ फटाफट यहाँ पे क्या कर दो, लिख दो क्या बनेगा, देखो 0 माइनस मैं लिख दे रहा हूँ, 0 माइनस के प्लस, बोलो भैया बाबू क्या बनेगा, बी माइनस के इक्वल क्या बनेगा, देखो आर स्क्वायर बनेगा, तो फिर क्या बनेगा, एच स्क्वायर बनेगा प्लस बी स्क्वायर बनेगा प्लस के स्क्वायर बनेगा, फिर माइनस क्या बनेगा, 2ab, तो क्या बनेगा 2bk बनेगा, इक्वल टू आर मेरे पास क्या निकल के देखो आ गया था, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया था। इसको आप सपोज कर लेना क्या, एक क्वेश्चन नंबर देखो ये मैंने सॉल्व किया इतना हो गया, इसको भी आप क्वेश्चन नंबर क्या मान लेना भाई, चलो मान लिया मैंने क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। जब 2 सॉल्व करोगे ना तो ये कटेगा यहाँ से, एच के कटेगा तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 2b आ जाएगा के, जब यहाँ सॉल्व करो तो मुझे आज के क्या निकल के आ जाएगा, के निकल के आएगा मेरे पास b/2, वन सेकेंड क्या आ गया, b/2 निकल के आ गया। ठीक है, तो इतना आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अच्छे बच्चे हो। ठीक है, तो प्लीज हो गाइस, कैसा लगा लेक्चर आज का, मैं भी और सॉल्व करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 14 को। ठीक है, चलो प्लीज यहाँ पे इसको इसकी शॉर्ट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, सब जानकारी आपको पहले से मालूम थी, है ना, इसके बारे में आपको पता ही है कि x पे जो भाग जो कटेगा उसका नाम होता है x इंटरसेप्ट कहलाता है, जो y पे होता है खंड उसका नाम होता है भैया y इंटरसेप्ट। ठीक है ना, ये सब कहानी पूरा पुरानी है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, हो गया। चलो भाई मैं बात करता हूँ यहाँ पे हम नंबर 14 की, और तो मुझे आज पूरा इसको करना है कंप्लीट। ठीक है, तो मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं बहुत जल्दी में हूं, तो क्या बनेगा देखो 14 नंबर क्या बनेगा, फाइंड द क्वेश्चन विद सेंटर। देखो कितना आसान क्वेश्चन, देखो भैया एंड पॉइंट क्या बोला गया है, इससे जा रहा है भैया सेंटर मेरे पास एच के आगे, मेरे पास कितना देखो एच के है मेरे पास कितना, वो 2 2 है, और एक सेंटर, और ये क्या करता है 4 5 से पासिंग थ्रू है, यानी एक्स वाई से क्या करता है पास थ्रू हो रहा है, तो क्या बनेगा देखो 4 5 दिख रहा है यहाँ पे, ये है सर्किल का इक्वेशन पूरा। देखो ये फिगर है आपके पास, सेंटर कितना है 2 2 है, और ये कहाँ से पास करता है भैया 4 5 से ज्यादा भाई पास होके, तो बताइए ये क्या निकल के मेरे पास आ गया, सेंटर का ये जो ए हो गया मान लो, ये क्या निकल के मेरे पास आ गया आर आ गया, तो मुझे आर निकल जाएगा यहाँ से, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, आर निकालो सेंटर दिया गया, सॉल्व करो क्वेश्चन आ जाएगा इसका। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत किसी को होने वाली है नहीं, इजी है बिल्कुल, ठीक है इजी है ना, तो सीए निकल गया, सीए निकल गया, सीए सीए तो क्या निकल गया, सीए क्या 4 - 2 आ जाएगा, 4² हो जाएगा, बाय 2 करो 9 हो गया, कितने पास आ गया रूट में आ गया 13 आ गया, आर निकल के मेरे पास आ गया भैया 13, सेंटर गिवन है, तो लगा दो फटाफट फार्मूला, है ना, x माइनस एच इक्वल टू 2 है, तो क्या बनेगा x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर, बोलो h का वैल्यू k के वैल्यू सेम ही है, इक्वल टू क्या है इसका स्क्वायर करो क्या मिलेगा, इतना मिल जाएगा, सॉल्व करो आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मेरे पास हो गया क्वेश्चन 14 हो गया मेरे को सॉल्व, कि काफी इजी था, इसमें कुछ नहीं करना, आप कहोगे सर इसमें सॉल्व करो तो भैया ना बाबा ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे बच्चे हो, सॉल्व कर लेना। अब मैं सॉल्व करता हूँ, नंबर है लास्ट का है मेरा 15 क्वेश्चन, देखो कितना इजी है वो, तो हम लोग करने वाले हैं भैया फुल एंड फाइनल, फुल एंड फाइनल डज द, अरे क्या बात किया भैया, बोला क्या कि क्या ये सर्किल के अंदर पॉइंट है कि नहीं, देखो पॉइंट का नाम क्या बोलो, अच्छा बताओ अगर ये मेरे पास कोई सर्किल हो गया, ठीक है समझो मेरी बात, ये मेरे पास कितना ओपी, ये मेरे पास डिस्टेंस r, अगर OP की लेंथ अगर हो जाए r की इक्वल, तो मतलब कि पॉइंट जो P है कहां पे लाई करेगा, देखो पॉइंट P लाई ऑन द सर्किल, बोलो कोई दिक्कत है क्या यहां पे समझने में, अगर OP बोलो क्या निकल के आ गया भैया, वो निकल के आ गया मेरे पास R निकल के, क्या बोलो कि सर्किल कहाँ अप्लाई करता है, P सर्किल अप्लाई करता है, यानी पॉइंट P कहाँ हो गया, लाइन अंदर सर्किल हो गया, अगर OP की जो डिस्टेंस हुआ है ना अगर R से छोटी आ गया, इसका नाम हो जाएगा भैया इनसाइड द सर्किल, क्या बनेगा पॉइंट जो P कहाँ रहेगा,
इनसाइड द सर्किल, बोलो सही है ना, इनसाइड द सर्किल ये बनेगा। अगर ओपी की डिस्टेंस होगा क्या बड़ी अगर होगी आर से, इसका मतलब क्या बनेगा जो पॉइंट पी कहा जाएगा आउटसाइड हो जाएगा किससे, सर्किल से। बोलो कोई दिक्कत है किसी को क्या। तो पॉइंट मुझे गिवन है, मुझे पास पॉइंट क्या गिवन देखो है माइनस 2.5 है, ये है मेरे पास इतना। चलो ठीक है, इसका नाम हो गया मतलब पी हो गया, मुझे सॉल्व करना है। और मेरे पास इक्वेशन क्या है देखो, गिवन दिया है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू है 25। इसको ऐसे लिखो आप, कोई दिक्कत करेगा क्या लिखने में, नहीं ना ऐसे। जब h और k की वैल्यू ना मिले दिखे, इसका मतलब वो सेंटर कहां पे है, वो सेंटर है कहां पर, ओरिजिन पे है, यानी कि वो सेंटर, वो सर्किल का सेंटर कहां से पास करता है भैया, ओरिजिन से पास करता है। इसका मतलब देखो यहां पे निकल गया है मेरे पास ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर है ना, और प्लस 5 स्क्वायर, यानी आर क्या निकली मेरे पास आ गया, आर मेरे पास आ गया भैया 5 आ गया। अभी काम करो, इसको कोई पॉइंट है, अब यहां पे निकालना है आपको क्या, इस सेंटर को निकालो, यानी कि इस पॉइंट को निकालो, इससे इसका आर निकल के सेंटर क्या निकलेगा, सेंटर क्या होता है, सेंटर मुझे क्या निकलेगा, सेंटर मेरे पास आ गया ओरिजिन आ गया, ओरिजिन आ गया सेंटर आ गया, ओरिजिन क्या है मेरे पास, सेंटर आ गया ओरिजिन। और आर निकल के मेरे पास क्या आ गया, वो मेरे पास आ गया भैया 5 आ गया। अब बताओ आर निकल के मेरे पास 5 आ गया, मतलब कि इसका ओपी लेंथ कितनी 5 आ गई। अब क्या करना है आपको, देखो सिंपल सी बात ये है बिबुआ कि सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालो, कहां से, ओरिजिन से निकालो। अगर इससे डिस्टेंस अगर क्या होगा 5 से अगर कम मिल गई तो बोलना भैया इनसाइड है, अगर ज्यादा मिल क्या बोलोगे भैया आउटसाइड है, अगर इक्वल मिल गए तो बोलना भैया कि क्या लाइक करता है अंदर सर्किल पर, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन से क्या निकालनी पड़ेगी, देखो फिगर बनेगा, देखो फिगर ऐसा देखो इसका है, फिगर कैसे देखो बनेगा, देखो फिगर ऐसा देखो इसका है, ये सर्किल है, ये सर्किल है, इसका सेंटर देखो ये बना दिया गया है, ये सेंटर इसका बना, जीरो जीरो बना दिया गया सेंटर देखो ऐसे, ये हो गया है भैया सेंटर हो गया, ये है मेरे पास R 5 हो गया, यहां पे कोई पॉइंट मतलब P है।